हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं ब्लॉग शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 5:45 और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ अपना मौसी घर। और क्योंकि भैया का शादी है, तो शादी का जो रस्म वगैरह होता है वो स्टार्टिंग तो है, क्या बोलूँ, मतलब जो नहीं होता हल्दी मेहंदी वगैरह जो जो होता है वो सब स्टार्टिंग है 8 तारीख से, और आज है 4 तारीख। तो मैं थोड़ा पहले ही जा रही हूँ, बस ऐसे ही, मतलब कोई काम नहीं है मेरा, तो चल जाते हैं ये सोच के। और आज पान चंदन बदलाता है, तो वही रस्म है आज। तो भाभी का घर तो यहीं पे है, हम लोग का घर से 5 किलोमीटर आगे, नहीं पीछे, 5 किलोमीटर पीछे। तो भैया वहाँ पे आएंगी पान चंदन बदलने के लिए, तभी मेरे को भी लेके जाएंगे, इसलिए बोले कि रेडी होके रहना। लेकिन पान चंदन बदलाता है तो बदलने के बाद और कहीं जाने का नियम नहीं रहता है, डायरेक्ट घर जाने का रहता है। तो भैया मेरे घर पे नहीं आएंगे मुझे ले जाने के लिए, मतलब मैं सारा सामान वगैरह लेके और वहाँ जहाँ मतलब भैया निकलेंगे वही रास्ते में अगर खड़ा रहेंगे वहाँ से भैया ले लेंगे, घर नहीं आएंगे। तो अभी तो मेरा सारा पैकिंग वगैरह हो गया है, पैकिंग वगैरह पहले से करके रख ली हूँ मैं। और बस अब भैया भी अभी कुछ देर पहले कॉल आया था, कॉल किए थे तो पता चला कि वो पान चंदन बदलने के लिए घर से निकल गए हैं। तो वहाँ बदलेंगे, बदलने में तो ज़्यादा लेट नहीं लगता है, लेकिन खाने पीने में थोड़ा सा लेट होगा। तो कुछ भी कर लो, हमको लगता है अभी तो 6 बजने वाला है, 15-20 मिनट बाकी है, वरना 6 बजने ही वाला है। तो 7:30-8 बज ही जाएंगे लग रहा है, रात हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, सोची आराम से रेडी होंगी। और रेडी क्या ही हो ना, मतलब अगर हो जाएगा तो मैं मौसी घर ही जाना है, रेडी क्या ही होना, नहीं भी रेडी होंगी और ऐसे ही जाऊँगी तो चलेगा। बस मेरा सारा बैग वगैरह पैकिंग रहना चाहिए, तो मैं सारा बैग को पैक कर ली हूँ। तो दिखाते हैं आप लोगों को कितना सारा सामान मैं पैक करके रखी हूँ, सारा सामान को ले जाना है। और ऐसा भी होता है, इतने पहले जाने का और भी रीज़न बहुत सारा है, आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हो तो आप लोग को तो बताना बनता है। तो क्योंकि ये भी चीज़ है कि ये घर बहुत ही दिमाग ख़राब होता है, ये घर ना बहुत दिमाग ख़राब होने वाला घर है, यहाँ पे मतलब शांति से कोई इंसान रह नहीं सकता है। तो मतलब मैं सोचती हूँ कि कहीं जाके 2-4 दिन कहीं और रहूँ, यही अच्छा रहेगा, मतलब यहाँ रहने से ज़्यादा बेटर रहेगा कि कहीं और जाके रहूँ। क्योंकि इस घर का मतलब ये घर के लोग इतने गंदे हैं ना, इतने गंदे हैं कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ जाता है। और मैं तो आप लोग को सारा कुछ अपना फैमिली के बारे में सारा कुछ बताऊँगी, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। क्यों डरूँ, जब मैं गलत नहीं की हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरूँगी, जो मेरे साथ गलत किया है उन लोग डरेंगे। इसलिए ये घर में मेरे साथ ना बहुत गलत गलत होता है, ये घर का पूरा इंसान ना बहुत ख़राब है। मेरे पति अगर नहीं होते ना तो आज मैं ये घर में टिक भी नहीं पाती, मैं रहती ही नहीं। अगर मेरे पति थोड़े अच्छे नहीं होते, मैं जो बोलती वो नहीं मानते या कुछ भी अदर कुछ भी, तो ये घर का बहुत ही ख़राब सिस्टम है। मैं यहाँ से पता नहीं कब निकल पाऊँगी इस घर से, भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी इस घर से निकल जाऊँ, क्योंकि ये घर बहुत ख़राब है, बहुत घटिया घर है, ऐसा घर भगवान किसी को ना दे। मतलब कुछ लोग हैं अच्छे, बट कुछ लोग इतने ख़राब हैं ना कि खैर जाने दीजिए। चलिए दिखाते हैं आप लोग को पैकिंग, और बहुत ही मतलब खुश है हम, क्योंकि मेरे भैया का शादी है, तो मतलब खूब मस्ती करना है इस बार, मतलब जितना हो पाए उतना मस्ती करना है, क्योंकि उसके बाद तो फिर वैसा अभी फ़िलहाल में शादी नहीं है। तो भैया का एक है जो कि मज़ा आएगा, बट वहाँ भी थोड़ा सा कुछ हो गया है, मतलब कोई डेट कर गए हैं भैया के, तो वहाँ पे भी क्या बोले नॉन वेज वगैरह मतलब नहीं चलेगा, फिर सारा कुछ वेजिटेरियन ही रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, खाना ही बस चेंज हो रहा है, बाकी सब तो वैसा ही रहेगा।
और वहीं पे मेरे पति भी एक टेंट वाला काम कर रहे वहीं पे, तो आज गए थे। तो थोड़ा बहुत काम पहले से करके रख रहे हैं क्योंकि उस दिन और एक काम है तो ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले से करके रख ले रहे हैं ताकि दोनों काम को एडजस्ट कर पाए। तो इसलिए तो अभी वहीं से आ रहे हैं, काम जो जो करना था कुछ कुछ काम करके, और अभी आ रहे हैं। तो वो आए नहीं है अभी तक, कुछ देर में हमको लगता है आधा एक घंटा में वो भी आ जाएंगे। और मेरे को ना बाल कलर करवाना था बट इधर होता नहीं है, मेरे को स्पेशली रामगढ़ जाना पड़ेगा कलर करवाने के लिए, और अभी मेरे को ले जाने वाला कोई है नहीं। और हम मैं रात को जाऊंगी तो भैया तो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, और वो ये सब काम के लिए नहीं ना रही इसलिए। तो मैं ना सोच रही हूँ कि देखती हूँ अगर कभी शादी से पहले ही करवा पाऊँ तो अच्छा रहेगा, करवा लूँगी कलर बाल को। तो फिलहाल बहुत बातें करती हूँ मैं, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं पैकिंग। ये देखिए ये मेरा पैक पैक हो चुका है, इधर ही मेरा पर्स और ये आगे का चप्पल जूता वगैरह, जो इधर से लड़का तरफ से जाएगा ना वो सब है। तो ये सब तो मैं ही खरीदी हुई थी, तो आप देख ही जाऊँगी सब कुछ। ठंडा भी है और इसमें मतलब क्या बोलूँ, छेका नहीं होता, लगन होता है ना, लगन का चप्पल है ये सब है। और दिखाती हूँ, इतना में ही बस नहीं है, अभी और भी है। और इसमें ना चप्पल वगैरह है, मैं मतलब सिंपल से चप्पल पहन के जाऊँगी ना, मतलब ज़्यादा हैवी चप्पल पहन के क्या ही जाना, मतलब पार्टी फंक्शन में नहीं ना जा रही हूँ, तो सिंपल से चप्पल पहन के जाऊँगी। तो यहाँ सैंडल वगैरह डालनी है, मेरे पति का सूट वगैरह है, ये सबको इसमें डालनी हूँ। और मेरा ज्वेलरी वगैरह है, इसमें शादी का ही ज्वेलरी है लेके जा रहे हैं, मतलब पता नहीं यही पहनूंगी या कोई और चीज़ पहनूंगी, बट रहेगा ना। तो एक होता है कि रहने से इंसान मतलब जो अच्छा लगता है वो पहन लेता है, और ऐसा होता है कि कोई एक चूज करके ले जाता है कि ये पहनना है, फिर पहनने के बाद लगता है कि नहीं वो नहीं था तो वो पहनते, वो क्यों नहीं लाया, ऐसा हो जाता है। तो मैं सारा कुछ ही लेके जा रही हूँ। तो इसमें मेरा ये साड़ी है, और इधर से जो मेरे को रिसेप्शन में मिले थे वो सारे, और इसको भी लेके जा रही हूँ। बहुत सारा सामान ले जाना है, तो सारा पैकिंग तो हो गया है, बस खुद का थोड़ा सुधारना है थोड़ा सा, तो वो बाद में करूँगी क्योंकि अभी बहुत टाइम है। इसलिए तो आप लोग मेरे ब्लॉग पर बने रहिए, उसके मतलब मैं वहाँ पे जाऊँगी, उसके बाद शादी का बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग बनेगा, तो आप लोग सारा ब्लॉग को देखिएगा, खूब सारा इंजॉय कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग से बाद में। सो गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे ये लड़की रेडी भी नहीं हुई है और बोल रही है रेडी हो गई है। तो मैं ना बस मेकअप कर रही हूँ, बाकी ड्रेस चेंज नहीं की क्योंकि मुझे मतलब मन ही नहीं कर रहा है चेंज करने का, और रेडी होने का भी मन नहीं कर रहा है, और क्या ही रात को फोन ही देखिएगा इसलिए मन नहीं कर रहा है। तो मैं चेंज भी नहीं कर रही हूँ, ऐसे जाऊँगी, ऐसे भी थोड़ी ना बुरी लग रही, अच्छी ही लग रही, तो ऐसे ही जाऊँगी। बस लिपस्टिक लगा ली हूँ, यहाँ पर बिंदी लगा ली हूँ, थोड़ा सा क्रीम लगा ली हूँ बस, और फिर भी अच्छी लग रही हूँ। और ऐसे ही जाऊँगी क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है मेकअप करने का, और रात है तो रात को फिर वहाँ जाके मेकअप उतारना भी पड़ेगा सोने के टाइम, तो इसीलिए सोची मेकअप नहीं करते, पर दुपट्टा ले लेते हैं। और अभी हम लोग जाएंगे बाहर, कुछ ख़रीदना है मेरे को, इसलिए क्या ख़रीदना है चलिए आप बाहर पता चल जाएगा। सो गाइस, तो मैं गई थी गॉगल्स खरीदने के लिए बट मुझे नहीं मिला, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गया था तो दुकान बंद हो गया था, और जो खुला था एक दुकान खुला था बट वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्राइस लेता, बहुत थोड़ा महंगा दुकान था वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा ही ले लेता, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं लिए, मतलब पूछे ही नहीं घुस के क्योंकि पता था कि वहाँ पे महंगा लेगा इसीलिए। और बाकी तो दुकान खुला नहीं था, तो मैं सोची कि कोई बात नहीं उधर ही खरीद लूँगी, उधर भी बहुत सारा दुकान है, इसलिए फिर हम लोग वापस आ गए आइसक्रीम खा के, और एक आइसक्रीम लेके भी आई हूँ, तो एक खा के आई और एक लेके आई हूँ, ये भी अभी खाऊँगी जब तक भैया नहीं आते, पहले रोटी बना लेती हूँ फिर इसको खाऊँगी ये वाला, क्योंकि मम्मी का रोटी बना रख देती हूँ फिर चली जाऊँगी मम्मी का डिनर।
सो गाइस, अभी टाइम हो गया है 8:30 और अभी तक भैया नहीं आए हैं क्योंकि भैया लोग का वहीं पे लेट हो रहा है, मतलब खाना वगैरह खाने में और कुछ कुछ पता नहीं वहाँ जो जो हो रहा होगा वहीं पे लेट हो रहा है, तो अभी तक भैया नहीं आए हैं। बट जो मैं मतलब मेरे हस्बैंड छोड़ने वाले थे रोड तक, वो अब कैंसिल हो गया है क्योंकि भैया यहीं पे आएंगे। मतलब 5 चंदन बदलाता है तो घर आने नहीं बनता है, बट यहाँ बाहर तक तो आ ही सकते हैं, तो बाहर आएंगे और बाहर बाहर से ही चले जाएंगे, मतलब घर नहीं घुसेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ऐसे में। तो भैया बोले मैं ही चला जाऊँगा और ले लूँगा, क्योंकि फिर कोई कोई लड़ा रखेगा उसमें थोड़ा सा बहुत दिक्कत है, फिर मतलब और भैया ही आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, और मेरे पति भी थोड़ा थके ओके हैं अभी काम वगैरह करके, तो सोची कि चलो कोई बात नहीं भैया ही आके ले जाएंगे।